जीत की खातिर जुनून चाहिए और जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, और ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस आपके इरादों में वो जीत वाली गूंज चाहिए। साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीबीआर स्टडी में। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई एकदम बढ़िया चल रही है, अच्छी वाली चल रही है। परीक्षा की डेट आ गई है तो पढ़ना तो मजबूरी है ना। ऐसे कई कैंडिडेट हमारे फ्रेंड सर्कल में है, हमारे कुछ अच्छे वाले फ्रेंड में है जो आज तक नहीं पढ़े कभी। मैं उनको कह कह के थक गया, ठीक है, कह कह के थक गया कि बेटा पढ़ लो थोड़ा बहुत, क्या होगा, पढ़ के पेपर ऊपर आएगा तो पढ़ लेंगे। तो अब पेपर आ चुका है, पेपर आ चुका है, 26 जून से परीक्षा है, उसके पहले 20 दिन में हम आपको पास होने भर का पढ़ा देंगे, ठीक है भैया। तो ये 20 डेज रिवीजन वाला बैच है, लाइव सेकंड है। मेरी आवाज तो आ रही प्रॉपर तरीके से, एक बार बता दो। हाँ सभी मस्त है, थोड़ा सबर, थोड़ी तसल्ली देख रहा हूं। एक सवाल बता दो जिनको ज्यादा छटपटाहट मची है तब तक। नब्बे को रोमन अंक में कैसे लिखते हैं, संख्या 90 को रोमन अंक में कैसे लिखते हैं बताओ। हाँ एटू खान, आशीष, मनीषा सिंह, साजना यादव, निधि यादव, शिवम राजपूत, पंकज सिंह, मधुकर, सूरज, खुशनुमा बानो, शीतल और सोनम, बहुत से कैंडिडेट जुड़े हैं। 872 बच्चे कुछ जुड़े हैं समथिंग। बहुत बहुत वेलकम है सभी का, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बच्ची हो आप लोग, मतलब अच्छे बच्चे हो। चलो देखो पढ़ने लगे हो ना, ठीक है, पेपर आ गया तो पढ़ने लगोगे जरा जरा ना। चलो ठीक है पढ़ी लो। तो कल रोमन अंक पढ़ा दिया था मैंने ना, और क्या क्या पढ़ाया था उस पर आगे बढ़ेंगे, आपके सिलेबस का हिस्सा है। मुझे ये बताओ कि 3/7 व 12/ 11, इन दोनों में कौन बड़ा है बताइए। अगर इनको हम Q से डिनोट करें, इनको P से, तो P और Q के रूप में कमेंट करिए इनमें कौन बड़ा है। मैं टॉपिक पे चलूंगा, पढ़ाऊंगा कॉन्सेप्ट, लेकिन थोड़ा सा मुझे यहाँ ताम झाम एडजस्ट करने में टाइम लगता है, तब तक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। उग्रपाल, वंदना, बीरेंद्र, चलो भाई आगे बढ़ी। तो कल भाज्य संख्या अभाज्य संख्या हो गई थी, परिमेय संख्या हो गई थी, है ना, हो गई थी। साथ ही मेरे इसमें पूर्ण संख्याएं हैं, होल नंबर, पूर्णांक संख्याएं, ये भी नहीं पढ़ाया था, तो इस पे थोड़ी सी बात करेंगे। आइए देखिए, इसमें बड़ा कौन है कैसे जानेंगे। देखो सिंपल सी बात है, इनका एक तरीका है जो बेसिक वाला है, मैं वो बता देता हूं। पहले इनके हर का एलसीएम ले लेंगे जो कि 77 होगा, 77। अब पहली वाली भिन्न के हर से भाग करेंगे एलसीएम में, इसमें जब भाग करोगे 7 से 77 में तो 11 आएगा, 11 का 3 में गुणा करोगे 33 आएगा। वही प्रक्रिया इधर भी करोगे, 11 से भाग करोगे 77 में तो 11 7 77 7 आएगा, 7 का 12 में गुणा करोगे 84 आएगा। भैया हो एमए माल ज्यादा है और खाने वाले उतने हैं, एमए कम है खाने वाले भी उतने हैं, ज्यादा ज्यादा एमए मिलेगा, क्यों वाला बड़ा है। अरे सिंपल सी बात है, 12 आम है, खाए वाले 11 हैं, तो कम से कम सबका एक एक थी मिल जाए ना, थोड़ा से कम पड़ेगा एक लोग भर का, थोड़ा थोड़ा लोग दे देंगे उनका पूरा हो जाएगा, लेकिन
एमए भैया तीन ठीक है, खाए वाले सात ठू हैं, तो मार हो जाएगी। सबाई समझ गया ना भैया? तो प्राकृतिक संख्या कल छोड़ दिया था, उसको भी ले लीजिए, समझ लीजिए थोड़ा सा। ऐसी संख्याएं नेचुरल नंबर बोलते हैं इनको, जो बिल्कुल नेचुरल होती है, मतलब ये तो कहना सही नहीं है, जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, भौतिक रूप से महसूस कर सकते हैं, थोड़ी सी फीलिंग उनके लिए ला सकते हैं, वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, या फिर एक प्रकार ऐसे कहो जिनके बारे में हम सोच सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा अलग हो जाएगा फिर। नहीं, जैसे अगर मैं कहा कि मेरे पास एक फोन है, ठीक है, तो आपने इमेजिन किया कि मेरे पास एक मोबाइल होगा, कुछ ऐसे होगा, है ना? अगर मैंने कहा कि मेरे पास दो फोन है, तब भी आप सोच पाओगे मेरे पास दो फोन ऐसे होगा, है ना? थोड़ा सा सोचोगे ना? अगर मैं कहूं मेरे पास जीरो फोन है, तो क्या जीरो के बारे में कुछ इमेजिन कर पाओगे आप? शून्य फोन के बारे में कुछ नहीं दिमाग में आएगा ना, कि शून्य फोन कैसे होगा, इतना बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा, कि मोटा होगा, पतला होगा, कैसा होगा? नहीं ना, मोटू सा होगा, छोटू सा होगा, नहीं समझ में आएगा। तो बात पक्की, वन से लेकर के अनंत तक की सभी संख्याएं नेचुरल नंबर होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, समझ गए? अब इस समय मैथ की मैराथन चलानी चाहिए, लोगों के ना तूफान मचा है, पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे, यही तो पढ़ाने मजा आएगा इस दिन ना। होल नंबर को पूर्ण संख्या बोलते हैं क्या यार? प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में सुन्ना को शामिल करने पर जो संख्याएं बनती हैं वो क्या होती हैं? क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं, यानी जीरो से स्टार्ट करो अनंत तक, ये क्या है? पूर्ण संख्याएं। ठीक है, समझ रहे हो ना? अब मैं पूर्ण संख्या की बात कर रहा हूं, तो मैं इसी में आपको पूर्ण घन संख्या की बात कर देता हूं, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। पूर्ण घन या पूर्ण वर्ग, ठीक है, ये भी जरूरी है, इसी में चाहिए, आपको आना चाहिए। अगर कुछ लोग जानते हैं तो मुझे बताओ। इसमें से पूर्ण वर्ग संख्याएं बताइए कौन कौन है। नहीं जानते हैं तो मैं बताऊंगा, थोड़ा तसल्ली रखें। शालिनी जी कमेंट आपका आ रहा है, साजना, अमित, अंजनी यादव, खुशनुमा बानू, सरस तिवारी, सोनम वर्मा, दीपिका यादव, सबका कमेंट आ रहा है। मैं चार्ज में लगा रहा हूँ, कुछ चीज आता हूँ, सबर एंड सबर कर लो, थोड़ा सा तुम सबर कर लो। आइए आइए बात करते हैं। देखिए, सभी को वर्गमूल पता होगा, ये है और ये है, बाकी ये नहीं है। ऐसी संख्या, मैं पूर्ण वर्ग की बात करूं, जिसे परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं, जिसका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या हो, होल नंबर हो, वो पूर्ण वर्ग कहलाती है। जैसे मान लीजिए मैंने नंबर लिया फोर, फोर के अगर हम फैक्टर करेंगे साथ ही मेरे, तो दो गुणा दो होगा। समझा कुछ?
समझना, जैसे मैंने एक नंबर लिया 9, सही है। अब मान लो मैंने एक संख्या ले लिया, मेरा मनी कर रहा है लेने का यहाँ पर बार बार, इनका सबको हम लेके यहाँ घसीट रहे हैं, तो 10, अब इनका क्या होगा? क्या इनके जोड़े बन रहे हैं? नहीं, जोड़े मिलने के लिए आजकल 36 गुण मिलाए जाते हैं, है ना? ये बड़ी गलत धारणा है, मेरा मानना है ना? ऐसे लोग भी हैं जिनके 36 गुण मिलते हैं, बाद में उनके 36 दिन साथ नहीं चलते हैं, क्या करोगे? सोच मिलनी चाहिए, पसंद मिलनी चाहिए, है ना? चलिए समझिए, तो भैया इनके पेयर नहीं बन रहे हैं, ये अलग अलग हैं, इनमें पट नहीं रही पहले से ही, तो इसका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या नहीं होगी। अब सवाल यह है कि होगी क्या? समझना, देखो इसका 3 आया था, इसका 4 आया है, और जो 10 है इसके बीच में है ना, तो इसका भाई साहब 3 point something आएगा, क्योंकि 4 अगर इसका है, 3 इसका है, तो 10 का 3 point something लगभग में आएगा ना, आएगा ना? यानी हम अगर मान लेते हैं इसका वर्गमूल 3.15 something कुछ भी आता है, तो क्या ये पूर्ण संख्या है? मतलब हाँ, पूर्ण संख्या क्या है? नहीं है ना, नहीं है ना? तो हम क्या कहते हैं, हम यही तो कह रहे हैं इतना देर से भैया, कि ये संख्या जो है पूर्ण वर्ग नहीं है, बाकी यह पूर्ण वर्ग है, यहू है, यहू है, यहू है, यानी जिसमें ये पूरा पूरा मिल गया वो पूर्ण वर्ग है, जिसमें ऐसे बीच में जोड़ा नहीं बना, बात बिगड़ गई, वो पूर्ण वर्ग नहीं है। समझ गए, समझ गया सब भाई ना भैया, क्योंकि कोनो तकलीफ दर्द दुख दर्द नहीं ना ना हमें। चल आगे बढ़ी, फालतू का एक पेज बदले, समझिए। लाइट बड़ा वेदा थोड़ा सा, चलो देखो अब ये बताओ, अंडर रूट 25 ये पूर्ण वर्ग है, हाँ? अब पूर्ण घन भी समझ लीजिए, इसी में समझ ही रहे हो तो, क्योंकि पूर्ण संख्या की बात हुई थी, परफेक्ट क्यूब नंबर, जैसे इसमें पूर्ण घन संख्या कौन कौन सी है बताओ। देखो सिखा रहा हूं मैं, पढ़ा नहीं रहा हूं, पढ़ाता होता तो अब तक सब खत्म हो गया होता। सोनम कमेंट आ रहा है, समीर बोलो क्या है, शर्मा रहे हो भाई? शर्माने का नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ने का है बस, जिंदगी आगे बढ़ती रहेगी, नहीं पढ़ोगे तो जिंदगी आगे बढ़ेगी नहीं, जिंदगी कटेगी। देखो जिंदगी जीना और जिंदगी काटना दोनों में अंतर होता है, समझ रहे हो ना? अगर अभी मेहनत कर लोगे तो आगे जिंदगी जियोगे, काटोगे नहीं, नहीं करोगे तो आगे जिंदगी काटनी पड़ती, समझ रहे हो? अगर किसी के साथ आप अच्छे पल बिता रहे हो तो पल कब बीत जाते हैं पता नहीं चलता, लेकिन अगर मुसीबत वाले पल हो, लाइट कट गई हो रात में और गर्मी खूब अच्छी वाली हो रही हो, तो आधा घंटा भी 2 दिन के बराबर लगता है, ठीक है? और वहीं एसी में बैठे हो तो 2 घंटा भी आधा घंटा नहीं पता ही चलता है ना, तो बस वही चीज है, इसलिए पढ़ लो। तो इसमें जो पूर्ण घन संख्याएं हैं वो 27 है और ये 64 है। कैसे है, क्यों है, देखो सत्ताईस अगर लिखा, इसकी पहचान है, इसके खोपड़ी 3 लिखते हैं चुरकी पे, इसमें 3 3 का जोड़ा बनना चाहिए,
अगर 24 को ले लें तो भाई साहब इसमें देखो तीन तीन का जोड़ा बन रहा है एक, बट एक फंस जा रहा है। जिसका बन रहा है वो बाहर निकल जाएगा, जो फंस जा रहा है अंदर हो जाएगा ऐसे। यानी ये क्या हुआ, क्या हुआ भैया, यहाँ पे थी संख्या मिल गई? नहीं, अभी तो ही महाराज का हो, कहाँ मिला, एक पूर्ण संख्या नहीं आई ना, एमे चुरकी लगी रह गई अभी, यहाँ के जैसे नहीं आया ना ऐसे। तो ये क्या है, ये पूर्ण घन नंबर नहीं है। समझ में आया ना? एक कमेंट कर रहा है वो पद्दू खान, निदा मेरी है, वो किसी की नहीं है, हर कोई उसको यही कहता है वो मेरी है, वो होती किसी की नहीं है, पढ़ लो तुम, पढ़ लो, समझ रहे हो ना। और जो कहती है ना कि बाबू मैं सिर्फ तुम्हारी ही हूँ, वो तुम्हारी छोड़ के बाकी सबकी होती है, तो इसलिए इस मीठे शब्द में ना पढ़े, अनुभव बहुत है, मैं इसीलिए बता रहा हूँ, समझ रहे हो ना। तो उम्मीद ना करो, कुछ अच्छे बन जाओ। चलो तो ये हो गया खत्म, प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, और पूर्ण घन, पूर्ण वर्ग, ये सब तो तुम सीख चुके हो, है ना। और आगे क्या है, चलो देखो, कमेंट देखने में ना कभी कभी मजा आ जाती है, लेकिन दिमाग भटक जाता है। हाँ, काफी लोगों की तकलीफ यही हल हो जाती है आकर के, क्या करें, टाइम बिता रहे हैं, ये जिंदगी काटने वाले लोग हैं, ऐसे लोग बिता रहे हैं। एक मजेदार बात बताएं, अभी एक खबर है, हमारे एक साथी जो है एक कॉलेज में टीचर हैं, तो वहां पे दो बच्चे आपस में बात कर रहे थे, पता है क्या, अब मुझे घर आएंगे पक्का सुनेंगे, तो कहेंगे मेरी बात बता दिया क्लास में, लेकिन मैं बता रहा हूँ किसी की बिना पहचान बताए। हाई स्कूल के बच्चे थे, तो एक क्या कह रहा है, दो दोस्त खड़े होकर पानी पी रहे हैं, तो कह रहा है फलाने सुनता, अपने स्कूल का एक लड़का मुझसे पटा है फेसबुक पे, और मेरा रिचार्ज भी किया था पिछला महीना, क्या समझा, यानी वो फेसबुक पे लड़की नाम से आईडी बनाया है, अपने ही क्लास के लड़कों से चैटिंग करता है, उनसे रिचार्ज करवाता है। ये है इमेजिन वाली दुनिया, कुछ सीखा कि नहीं, चलिए आगे बढ़िए। तो फेसबुक पे जो लोग बाबू के चक्कर में लगे रहते हैं ऑनलाइन में, वो बाबा भी निकलता है कभी कभी। चलो देखो यहाँ पे, तो ये रेफनल है कि इरेफनल है, ये परमीय संख्या है कि अपरमीय संख्या है, बताइए। अब ये बात टीचर ने सुन लिया, ठीक है, तो टीचर ने सुना तो ये बात मेरे तक भी आ गई, और फिर आगे समझ रहे हो क्या हुआ। चलें, होता है, एक टाइम होता है, एक टाइम होता है, एक गली होती है, उससे मैं भी गुजरा हूं, तब ऐसे ही अनुभव होता है। रेफनल है कि रेफनल है, क्या कह रहे हो समीर, कह रहे परमीय संख्या है। कोई कह रहा है अपरमीय है, परमीय है कि अपरमीय है, क्या है, देखो प्रैक्टिस ही तो करना है ना इसमें। चलिए, ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ फिलहाल, ये तो बात बनाने के लिए क्वेश्चन दे दिया। इनका वर्गमूल करोगे 5 होगा, इनको जोड़ोगे भाई साहब तो कितना हो जाएगा, 84 ना, तो रेफनल हो जाएगा ना, परमीय संख्या। इसके कुछ गुण बता देता हूं, दो परमीय संख्याओं का योगफल क्या होता है बताओ, परमीय धन परमीय क्या होता है, सभी बताओ,
अगर परमीय होता है तो रेशनल आर या अपरमीय होता है तो आई बताओ क्या होगा? दो परमीय और परमीय को जोड़ोगे तो क्या होगा? अपरमीय होगा। देखो क्या होगा, क्या हो सकता है, मे बी पॉसिबल। तीन में अगर हम इसको जोड़ दें तो 15। तो भैया सज्जन की संगति से सज्जन ही पैदा होते हैं। अगर परमीय परमीय है तो कभी भी अपरमीय नहीं होगा, हमेशा परमीय ही होगा। याद रखना, ये गुण पूछा जाएगा। हो सकता है आपके परीक्षा में कि परमीय संख्याओं के दो तीन गुण लिखिए, तो लिख देना कि परमीय संख्याओं को परमीय संख्याओं में जोड़ने पर हमेशा परमीय संख्या आती है, वैसे जैसे चूहे से चूहे ही पैदा होते हैं, बंदर नहीं होते। अच्छा अगला देखो, चलो भैया मान लो रेफरल नंबर को मैंने आर से लिखा, ये परमीय है या अपरमीय है, आप बताओ। अगर परमीय में अपरमीय संख्या जोड़ें तो क्या होगा, बताओ। कोई कह रहा सज्जन प्लस निर्जन बराबर निर्जन। हाँ सही बात है, सज्जन के साथ निर्जन जुड़ेंगे तो सब निर्जन हो जाएंगे। बहुत अच्छा, देखो रेशनल नंबर ले लो चच्चा, मान लो मैंने ले लिया 4, नहीं 14 ले लो, नहीं 141 ले लो, क्या दिक्कत है। इरेशनल है, मैं जोड़ दिया भैया 2 ही, हजम नहीं होगा इसके साथ, ये पटेगी नहीं इसकी कभी भी, तो ये दोनों अलग अलग रहेंगे, हमेशा ऐसे रहेंगे। ये तो वैसे हुआ जैसे एक कपल एक है बेड पे, एक थी उधर लटक के अपनी मोबाइल में लगा, एक थी उधर लगा है, पास होते हुए भी दूरी है, ठीक है। तो ये वैसे इसमें रहता है, ये पास तो रहेंगे लेकिन दूरी बनी रहेगी, ये चिन्ह नहीं हटने वाला है, यानी ये क्या है, अपरमीय है। क्या ये अपरमीय संख्या है, ये कभी भी एक दूसरे में जुड़ के घुल मिल नहीं सकते। तो क्या निकला निष्कर्ष, परमीय और परमीय को जोड़ेंगे तो हमेशा परमीय होगा, परमीय और अपरमीय को जोड़ेंगे तो क्या होगा, हमेशा अपरमीय होगा। कोई भी एग्जांपल ले लो, आगे देखो एक आठ और देखो। अच्छा निर्लज प्लस निर्लज को देखो, अपरमीय संख्या धन अपरमीय संख्या बराबर क्या होगा, बताओ। अपरमीय धन अपरमीय क्या होगा, बताइए। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, क्या होगा। मान लो कि 3 प्लस अंडर रूट 5 है, धन अंडर रूट 5 है, तो क्या होगा, जोड़ा भैया, परमीय तो नहीं बनेगा ना, परमीय तो नहीं बनेगा ना। हाँ यहाँ पे एक निष्कर्ष निकलता है, मैं इस पे बहुत विस्तृत बात करूंगा तो यही टॉपिक में पूरा टाइम खत्म हो जाएगा, क्योंकि परमीय संख्या बहुत बड़ा अध्याय है, गागर में सागर हम आपको दिखाएंगे, बस इतना ही। इनका गुणा हमेशा परमीय हो जाता है, जैसे अंडर रूट 5 यानी अपरमीय संख्या को अपरमीय संख्या में गुणा करने पर परमीय हो जाती है, लेकिन जोड़ने के कंडीशन में जरूरी नहीं कि हो जाए, वैसे होती भी नहीं है। ये अगर जुड़ भी जाएंगे आपस में, अंडर रूट 10 हो जाएंगे तो का तीर मार लेंगे, तब भी तो रहेंगे अपरमीय ही, समझ रहे हो ना। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तो फिर गंगा ना आने से क्या फायदा, तो इनको कोई फायदा नहीं। तो ये कुछ गुण थे परमीय अपरमीय के। अच्छा हनी कहा था थोड़ा अंग्रेजी यूज कर लो भैया, अंग्रेजी बिना तो भाग गई हो, अफसोस इस बात का है, अब अंग्रेजी कहाँ से पढ़े हैं, इसीलिए नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं लौट आएगी। तो गुणा भाग ये सब पढ़ा दिया था, विभाज्यता नियम देख लीजिए, ये भी अगले चैप्टर में है, अध्याय 2 में पहुंच गए हो आप दूसरे दिन। अध्याय 2 क्या है,
इसमें चैप्टर का नाम है गुणा भाग एवं भिन्न पर आधारित क्वेश्चन। विभाज्यता नियम, सही लिखा हूं, डिविजिबिलिटी रूल। दो का डिविजिबिलिटी रूल कोई बताएगा? कितने को आता है टू का डिविजिबिलिटी रूल? एनीवन कोई बताएगा? बता भैया, कोई संख्या दो से कंप्लीटली डिविजिबल है कैसे पता करें? पहले तो तुम्हें जान लो कि विभाज्यता मतलब होता क्या है, समझ लो थोड़ा सा अच्छे से। देखो इतना गंदा भी न लिखो, समझिए। यहां हम कह सकते हैं कि दो से दस में भाग करने पर जीरो शेषफल आ रहा है, सो दो से दस कंप्लीटली डिविजिबल है। दो से थर्टीन में भाग करने पर शेषफल तीन आ रहा है, सो वी कैन से कि थर्टीन इज नॉट डिविजिबल, मीन्स कंप्लीटली डिविजिबल बाई टू। समझ में आया सभी का ना? मतलब इसकी पूरी तरह से इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, तीन इच्छाएं बच जा रही हैं, समझ रहे हो ना? इसकी भूख नहीं मिट रही पूरी तरीके से। मान लीजिए आपको भूख लगी है 10 रोटी खाने की, हाँ, और आपको मिल रहा है कितना, 7 या 8 मिल रहा है, तो कुछ तो बच जा रहा है ना वैसे। चलो समझ गए, हाँ। कोई कह रहा है जब वो सम हो, जब वो विभाजित हो। देखो भैया पूरन का नियम था ना, पूरन का नियम ये था कि कोई संख्या जिसमें दो से भाग करें, हाँ, अगर जीरो शेषफल आ जाए तो सम होती है, सम के बारे में। लेकिन अब ऐसा नियम नहीं है, ऐसी संख्या जिसका लास्ट का डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो वो क्या है, सम संख्या होती है। और ऐसी सभी सम संख्याएं दो से कंप्लीटली डिवाइड होती हैं, ठीक है। बस देखना है, देख करके अपने समझ लेना है, उसको टच नहीं करने का। चलो देखो, अब इसका भी एग्जाम्पल बताना पड़ेगा। कहा जैसे देखो, ये कहा इतना रात में फोन कर रहे हैं, 1 मिनट, हेलो। आगे बढ़े तो सभी को मेरी आवाज आ रही ना? देखिए कुछ इंपॉर्टेंट कभी कभी बातें हो जाती हैं तो करना पड़ता है। तो सभी समझ गए? तो मैं बात क्या कर रहा था, एग्जाम्पल की। तो इसमें कौन सी संख्या है जो दो से कंप्लीटली डिविजिबल है? हाँ बताइए, इसमें कौन सी संख्या है जो दो से पूर्णतः विभाजित है? हाँ जवाब दीजिए सभी फटाफट।
बताइए, जवाब दीजिए। देखिए बहुत सिंपल सा है, देखना है मगर 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 सिर्फ देखते रहना है। ये है ऐसी संख्या जिसका लास्ट का डिजिट क्या है, सम हो, 0 2 4 6 8 हो। ठीक है, 3 में क्या होता है? ऐसी संख्या जिसके अंकों का योगफल 3 से कंप्लीटली विभाजित हो। चल यार, तीन से विभाजित संख्या है, बताइए। बताइए 3 से विभाज्य संख्या कौन सी है, जवाब दीजिए। ऐसी संख्या जिनके अंकों का योगफल, ऐसी संख्या जिनके डिजिट ऑफ सम्स 3 से कंप्लीटली डिविजिबल हो, वो 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे देखो, चलो इनके अंकों का योगफल करो, 5 3 8 1 9 2 11 3 14 7 5 12 2 14 1 15 15 3 18 12 14 19 20 4 24 5 5 10 7 17 3 20 2 22। भाई साहब, इसमें कौन सी ऐसी गिनती है जो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है? बताइए बताइए जी। तो इसमें 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल जो संख्या है चाचा, वो यह है और यह है। तो तू का कह सका था सभी, तू कह सका था कि बी और सी वाला दोनों सही है। समझ गए ना, याद रखना, ऐसी संख्या जिसके अंकों का योगफल, जैसे मैंने अलग अलग जोड़ा है, 7 में 5 जोड़ा, 5 में 2 जोड़ा, 2 में 1 जोड़ा, 3 जोड़ा, तो 18 आया। एक एक अंक को जोड़ना है अलग अलग, अगर उनका योगफल 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो इसका मतलब पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। बात खत्म, काम खत्म। चलो आगे बढ़े, किसी को कोई डाउट, कोई तकलीफ? साजना जी, कमेंट आपका आ रहा है, नाम आपका थोड़ा कठिन है। साजना नाम है कि सजना, वो वाला फजना नाम है? कौन सा फजना नाम है या सजाना नाम है? धीरेश कुमार, निधि, सोयब, आशीष, नाम थोड़ा आसान कर लो आप लोग अपना, जिससे मैं बोल पाऊं। कोई कह रहा नींद आ रही, वैसे वास्तव में मैंने अनुभव किया आज ना, जो मजा है सोने में वो नहीं दुनिया के किसी कोने में। और कुछ ऐसे आलफी टाइप के लोग हैं, मलिच्छ टाइप के, जो एक बार सो जाए ना, उनको उठाओ दूसरे जगह गिर जाते हैं, उठा के बैठा दो तो दीवार में सट के सो जाते हैं। समझ रहे हो, वीडियो बना के रखा हूं मैं ऐसे एक लोग का, दिखाऊंगा आपको भी फीलिंग। तो सोना चाहिए वैसे, और बाकी बचा क्या लाइफ में, है ना? अगर लाइफ में कुछ नहीं बचा तो सोना चाहिए। चलो देखो आगे, अब क्या क्या हो रहा था, क्या क्या होने लगा, 3 का विभाज्यता नियम ना, प्रैक्टिस तो कर लोगे ना सभी, कि प्रैक्टिस भी करवाया जाए यहाँ पे, प्रैक्टिस कर लोगे ना? केवल यहाँ पर मैं स्टार्टिंग से सिस्टम से बता रहा हूँ बस, हो सकता आए होंगे ऐसे लोग इसमें क्लास में, तो लड़ाई झगड़ा होगा अभी, कोई होगा तो भाई बोलेगा ही। देखो इधर, 4 का विभाज्यता नियम, चार का विभाज्यता नियम बताइए, चलिए बोलिए फटाफट बताइए।
ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं भाई साहब जो जिनके लास्ट के दो अंक, जिनके लास्ट के दो डिजिट चार से कंप्लीटली डिवाइड हो, वो क्या होती हैं? चार से पूर्णता विभाजित होती हैं। लास्ट के सिर्फ दो अंक। आगे बढ़े। कोई डाउट, कोई तकलीफ? चले, हाँ ठीक है। जैसे देखिए इधर साइड में देखिए, जैसे पहला देखा 3, 2, 5, 1, 7, 2, 5, 3, बताइए इसमें कौन सी संख्या चार से कंप्लीटली डिवाइड है? जवाब दीजिए फटाफट, कौन सी संख्या चार से कंप्लीटली डिवाइड है? जल्दी करें। श्वेता, सोनम, स्वयं, सोनाली, देखिए वो संख्या जिसके जो है आखिरी के दो अंक मिला करके जो संख्या बनती है, जैसे इसमें 51, इसमें 53, 32, इसमें 14। अगर ये चार से कंप्लीटली डिवाइड है इकाई और दहाई से मिला करके, तो पूरी संख्या चार से विभाजित होगी। भाग करके देखो और बताओ मुझे। चलो भैया आओ, देखा समझा मगर पढ़ा मगर प्यार से, देखा ये चार से कंप्लीटली डिवाइड नहीं है, यो नहीं है, यो नहीं है, लेकिन यह है। तो हम कह सकते हैं कि ये चार से कंप्लीटली डिवाइड है। किसी को कोई तकलीफ नहीं? आगे बढ़े, कर लोगे ना? सभी समझ गए चार का नियम कि नहीं? समझ गए। ऐसी संख्या याद रखना जिसके लास्ट के दो अंक मिला करके जो संख्या बन रही है वो चार से कंप्लीटली डिवाइड होगी, तो पूरी संख्या चार से विभाजित होगी। एक और दूसरा, चार का साथी 8, इनके दोस्त 8, इनके लिए क्या होता जानते हो? ऐसी संख्या जिसके लास्ट के 3 अंक मिला करके अगर 8 से कंप्लीटली डिवाइड है तो वो संख्या 8 से पूर्णता विभाजित होती है, अन्यथा नहीं होती है। ठीक है, तो अगर 8 की बात आएगी तो 3 अंक लेना है, अगर 4 की बात आएगी 2 अंक लेना है बस। चलो आगे बढ़े, छापो फटाफट। अब एक बहुत ही मजेदार है 5 वाला, देखो इसका कोई एडीएफ पीडीएफ नहीं देना किसी को। डिविजिबिलिटी रूल बाई 5, 5 का विभाज्यता नियम बताओ। चलो देखो समझो, बहुत आसान है। ऐसी संख्या जिसका अंतिम अंक 0 या 5 हो, ऐसी संख्या जिसका अंतिम अंक 0 या 5 हो वो संख्या क्या होती है? 5 से पूर्णता विभाजित होती है। बस काम खत्म। याद रखना इनको भैया, पेपर में एक आध नंबर का इसमें से आएगा। विभाज्यता नियम आपको कम से कम 7-8 तक आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। पेपर में एक नंबर में पूछ लेगा, याद रखना एक एक नंबर बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपने अति लघु उत्तरीय और बहुविकल्पीय प्रश्न ही सही कर लिए तब भी आप लगभग पास हो जाओगे। तो
हल्के में नहीं लेना इनको। इसमें कौन सी संख्या है जो पांच से कंप्लीटली डिवाइड है, बताओ जल्दी बताओ, कौन सी संख्या है जो फाइव से कंप्लीटली डिविजिबल है। क्लास फिनिश्ड सर जी, गुरु जी नींद आ रही। अच्छा तो ई मतलब है तोरे लेख के लिए हम क्लास बंद कर, अब ऐसे संभव नहीं है। तो कल लोग का नींद आए तो हम एक घंटा और पढ़ाऊ। पेपर में हर कोई थोड़े पास होगा, और जो पास हो गए डीएलएड वो हर कोई थोड़ी गवर्नमेंट टीचर बनने वाला है। कुछ लोग तो केवल सदिये के लिए पढ़ रहे हैं, तो नींद नहीं को आ रही। जिनको पढ़ने का उद्देश्य ये है कि बाबू जाइए कहूँ ब्याह हुआ देखे कहीं लड़की पढ़ा दिया है डीएलएड कर दिया है बीटीसी, तो उम्मीद रहे कि अच्छा लड़का मिल जाएगा समझदार, है ना, बेवकूफ बनाने के लिए। लेकिन जिनके कुछ सपने हैं, कुछ करना है, कुछ कर दिखाना है, आत्मनिर्भर बनना है, अगले को नहीं ताकते रहना है, उनको नींद नहीं आ रही होगी, उनको आएगी नहीं। चलो देखो तो भैया इनका आंसर क्या होगा, ये भी है और ये भी है, दोनों है। क्यों? क्योंकि अंतिम अंक जीरो या पांच होना चाहिए, इसमें पांच है दोनों में, है ना, सही है ना। चलें आगे बढ़ें। तो पांच का विभाज्यता नियम हो गया, छह का कहता है, आओ सब छोड़ो, और सब थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा है, हटाओ इनको सबको। तो विभाज्यता नियम हो गया, इसके बाद इसमें बोर्ड मास नियम है, भिन्न है। बोर्ड मास नियम का चला एक आध क्वेश्चन कर लो, किताब वाला आपके दिया है, किताब वाला देखो बोर्ड मास नियम में। माइनस पांच माइनस पैतालीस, बहुत अच्छा सवाल है, किताब ही हम दिया है तुम्हारे सबके, देखा। प्लस माइनस तीन गुणे पांच, इसका मान बताओ क्या होगा। देखो इसमें कांटे ही कांटे हैं, बताइए क्या होगा। क्या होगा? जो लोग कह रहे हैं नींद आ रही, उनको ये नहीं पता है का नहीं पता है, आंखों में नींदे ना दिल में करार, मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार। तो जिनको मैथ से अभी तक मोहब्बत नहीं हुई उनका क्या होगा आगे, कुछ नहीं होने वाला है। और जिनको हो गई उनको नींद कैसे आ सकती है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये तो सरासर बेवफाई है, झूठ है ये। चलो देखो आगे, बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग सभी पढ़े हो, ब्रेकट यानी कोष्ठक, ऑफ यानी अदर, जैसे एक्स का स्क्वायर वगैरह हो गया या डिवाइड वगैरह वगैरह वगैरह, इसका मतलब होता है भाग यानी डिवीजन, मल्टीपल यानी गुणा, एडिशन यानी जोड़ना, सब्सट्रैक्शन यानी घटाना, ठीक है। तो ये बोर्ड मास नियम का एक सिस्टमेटिक हल करने का तरीका है, ठीक है। अब इसमें देखो भैया चिन्ह बहुत तरह के हैं, तो पहले हम इतना पकड़ेंगे भाग वाला, ठीक है, भाग वाला पकड़ेंगे। माइनस पैतालीस डिवाइड बाई माइनस का पंद्रह है, इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाए, पंद्रह तीन पैतालीस, फाइनल में इतने की जगह तीन आ जाएगा,
तो ये माइनस पांच और ये माइनस, ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, तीन जहां तक खींचा हूं, फिर प्लस, मैंने पहली लाइन फिनिश कर दिया, सही जा रहा है ना। एक काम और भी कर सकते थे अगर चाहते तो, वो तो मैं ऐसे कर दिया फिलहाल के लिए। चाहते तो इसमें कुछ और भी कर सकते थे आप, देखो जो मैं कर रहा हूँ सही गलत क्या है देखो पहले, बाद में समझना। अब इसमें गुणा का चिन्ह है, यहाँ जोड़ है, यहाँ घटाना है, पहले गुणा करो, इनका गुणा करेंगे, पांच तीन पंद्रह माइनस में आएगा, समझा। अब ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस पांच माइनस तीन और ये माइनस पंद्रह, भैया गलत हो रहा है का यार, गलत कैसे हो जाए, इसकी इतनी औकात कहाँ, माइनस तेईस आएगा। बताओ सही है ना। अंकिता यादव क्लास बंद कर दीजिए, क्लास तो आज बंद नहीं होने वाली है, कई लोगों को नींद आ रही है ना, नींद उन्हीं लोग को आ रही है जो सिर्फ शादी के लिए पढ़ रहे हैं, और जो रियल में टीचर बनना चाहते हैं उनको नींद नहीं आ रही। हम थोड़ी सोए हैं, हम भी तो नहीं सोए हैं, हम तो सोने ही नहीं पाते हैं, ऐसी ऐसी मुसीबत हमारे पास है। अब तुम लोग जो सोच रहे हो वाली मुसीबत नहीं है, और भी चीजें हैं, जिम्मेदारियां भी होती हैं। चले आगे बढ़े, सभी समझ गए ना, इनको कर लेंगे। तो कितने लोग हैं इसमें जो सिर्फ शादी के लिए पढ़ रहे हैं कि भाई रिश्ता अच्छा आएगा, ये होगा कि लड़का लड़की पढ़ रही है अभी, मतलब छोड़ के नहीं बैठा है ना, तो कितने लोग हैं, और रियल में टीचर कौन कौन बनना चाहता है, ईमानदारी से बताना। शादी वालों को भी नींद आ रही है, उनको शादी के बाद भी सोना है, पहले भी सोना है, और करना क्या है। देखो इसीलिए तो मैं शादी नहीं कर रहा हूँ ना, कि रात दिन पढ़ाएंगे आपको, नहीं तो कहाँ पढ़ाने मिलता है। कितने लोग हैं बताओ, एक बार कमेंट करो, नाम देखते हैं। साजना, सिया प्रजापति, आशीष, कृष्णा, और कौन, नहीं भैया हमारे नहीं भैया, अबे खोजा ही कहूं, कहूं मिला है, कहूं खोजा ही, देखा अबे काका हो थे बाद में। चलो ये सब छोड़ो, साइड में रखो, आइए आगे बात करते हैं। देखिए बोर्ड मास नियम थोड़ा बड़ा है, इसमें फिर बात कर लेंगे, आइए कुछ नया करते हैं तब तक। हाँ देखिए कुछ लोग जिनको नींद आ रही थी काफी देर से, जब से ये बात होने लगी वो गए नहीं भाग के, तो रोक के रखना भी हमारी जिम्मेदारी है ना आपको। चलिए देखिए, अब क्या है, एक नया टॉपिक है भिन्न, इनमें से दुई नंबर जरूर आएगा। देखो भैया 6 महीना का सिलेबस अगर 6 दिन में पढ़ोगे तो कहाँ जान रहे हो, हम घोर के पिलाएंगे, कहाँ घोर के पिलाएंगे, नहीं हल्का हल्का चखाएंगे बस। देखो अब चलो, भिन्न क्या होती है समझिए, फ्रैक्शन क्या है जानते हैं। देखिए अभी बहुत से लोग जानते हैं 14 फरवरी को त्योहार आता है, तो सबको पता है कि नहीं, कितने लोग को पता है, पता है ना, अच्छा चला फिर पता है। तो ये मान लो क्या है, एक डेयरी मिल्क है आपकी भाषा में, हमारी भाषा में एक रेक्टेंगल है ये। अब देखो फ्रैक्शन क्या, भिन्न क्या, ये पढ़ाना है। कितने लोग को पता है 14 फरवरी वाला त्योहार के बारे में, अरे जानो यार, जिंदगी है एक ही बार तो मिली है, समझो हर चीज। चलो देखो आइए, हम बात कर रहे हैं मैथ की, यहाँ पे कुछ गलत बात नहीं हो रही। अब मान लीजिए कि सुनो पहले, मतलब सुन लो पहले, देखो सब कितने खुश हो गए, भूली बिस्तरी यादें ताजा हो गई है ना। चलिए देखिए, अरे सुनो यार पहले, मतलब हर जगह अच्छी चीजें यूज करना चाहिए। अब कुछ लोग आके लेके नहीं, 14 फरवरी ब्लैक डे है, अच्छा चलो ठीक है, 2019 के पहले तो हुआ करता था ना, मान लो 2019 से ब्लैक डे हो गया, उसके पहले तो होता था ना। अब सुनो, तो इसमें क्या, एक चॉकलेट है, अब चॉकलेट में देखो तोड़ने वाला छोटा छोटा बना रहता है ना, मैंने भी देखा है कहीं,
मान लो इसको पांच पार्ट किया जा सकता है, ठीक है। अब इसमें बंटवारा हो रहा, समझना। चलो इसमें बंटवारा हो गया क्या, ये मान लो पंकज, ये शोएब, ये माही, ये पूनम, ये मोहित, ये सभी हिस्सेदार हैं इनके, ठीक है। अब कोई बेमान हो एक से ज्यादा ले ले वो अलग बात, समझो। यहाँ पे पहले मैथ समझ रहे हो आप, भिन्न क्या है, समझना भिन्न क्या है। अब देखिए, अब ये बताइए, चॉकलेट एक था, चॉकलेट के पांच पार्ट हुए, अब इसमें से माही को जो हिस्सा मिला वो कितना मिला, यही क्या है, भिन्न है। भिन्न मतलब एक ऐसी संख्या ही कह लो, और क्या कहोगे, जो किसी वस्तु या संख्या के किसी एक भाग को दर्शाती है वो भिन्न कहलाती है, ठीक है। किसी संख्या या किसी वस्तु के किसी एक भाग को दर्शाती है वो क्या कहलाती है, भिन्न कहलाती है। तो भैया इसमें माही को जो हिस्सा मिलेगा वो कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, देखो टोटल भैया पांच भाग हुए हैं, तो पांच, और इसको मिलेगा तो एक का, चाहे खब्बू हो चाहे ना खब्बू हो, तो कितना होगा, 1/5, क्या समझा। यानी चॉकलेट एक था, चॉकलेट के पांच टुकड़े हुए, पांच टुकड़े से एक टुकड़ा माही को मिला, जो कि मैथ की भाषा में कहेंगे 1/5 मिला, समझ में आया। ये क्या है, भिन्न है। ये मम्मी का मगरमच्छ भी आ गया है, चलो ठीक है, पापा की परी भी आई है ना, इसीलिए नाम अच्छा अच्छा रखे हो, अच्छा लग रहा है। चलो तो अब ये बताओ, इसमें मोहित का कितना हिस्सा होगा, मोहित का कितना होगा। मोहित का हिस्सा कितना है भैया, जितना इनका है उतना इनका भी है, बराबर बराबर रहेगा, अन्यथा मार हो जाएगी। तो पांच हिस्सा टोटल था, उसमें से क्या होगा, एक मिला है तो 1/5। अच्छा बढ़िया नाम है, अब बढ़िया काम भी है, देखो आप समझो थोड़ा। ये बताओ, अगर पंकज और ये माही, ये लोग कहें कि भैया हम मान लो बहन भाई, हम एक कैम खा लेंगे, अब हम अलग अलग नहीं लेंगे, अब इन दोनों को कहा है कि हमें एक कैम लेना है, तो ये दोनों लोग अगर मिल के एक हिस्सा लेते हैं अपना, तो इनको कितना मिलेगा बताइए। इनका मान लो बीच में बैरियर खत्म हो जाता है, ये एक में मिल जा रहे हैं, चलो अब तुम कुछ भी समझ लो, बहन भाई कहाँ हैं, आजकल लोग रूम लेने आते हैं, बहन भाई बता के आते हैं, अब पता नहीं कहाँ रहते हैं, भगवान जाने, लोग परेशान हो जाते हैं, मकान मालिक लोग। बताइए क्या होगा, समझिए यहाँ पे, देखो भैया देखो देखो, अब देखिए, ये दो पार्ट एक में मिल गया ना, टोटल पांच भाग हुआ था ना, टोटल पांच भाग हुआ था, और पांच भाग में से दो भाग की अगर बात हो रही थी, कितना हो जाएगा, 2/5, यानी इन दोनों को मिला के कितना मिलेगा, 2/5। किसी को कोई डाउट, कोई तकलीफ, समझ में आया कि नहीं। अभी और पढ़ाना चाहिए कहाँ, किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो मुझे लग रहा नहीं ना, चलो हट गया हूँ सामने से। अच्छा ठीक है, एक काम करो तुम लोग, भैया हटा इनको, मान लीजिए मैंने एक लड्डू ले लिया, चलो चॉकलेट से जी भर गया है, थोड़ा थोड़ा फ्लेवर बदलते रहो, लेकिन लड्डू एक कलर में नहीं हो, तो ऐसे तो ना लगभग, अरे अब लड्डू नहीं मिलेगा कलर के। चलो देखो,
इसमें मान लीजिए ऐसे एक भाग किया, एक भाग ऐसे कर दिया, ठीक है। समझना समझना, भिन्न पढ़ रहे हो, भिन्न। व्हाट इज फ्रैक्शन, व्हाट इज फ्रैक्शन। चलो अब मैंने इसमें से, ए और मोटा हो जाए यार, मैंने इसमें से एक भाग को कलर कर दिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सर्कल का कितना भाग ऐसा है जो कलरफुल नहीं है, बताओ। सर्कल का ऐसा कितना भाग है जो कलरफुल नहीं है, बताइए, जवाब दीजिए। येलो पार्ट जो है उसको बताओ कितना है, भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे। येलो वाला मतलब पियर का वाला, बताओ पीला वाला भाग कितना है। शिवम, निधि, मनीषा, ए कुछ लोग का तो बहुत जल्दी, कुछ लोग के तो बहुत नींद आई रही, का भाई हो कौनो गैन नहीं, जा 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 भागा। टोटल पार्ट कितने हैं, चार भाग हैं। कितने हैं, चार भाग हैं। तो भैया हो चार में से तीन भाग जो हैं वो कलरफुल में येलो हैं, टोटल भाग चार हैं, तो नीचे चार, यानी चार में से कितना है, तीन भाग पीला है, तो 3/4। अच्छा ललका वाला कितना है, ललका वाला कितना है, वो ललका वाला एक भाग है ना, यानी चार में से एक भाग लाल है, तो 4/1। अगर तुम 1/4 3/4 जोड़ दोगे तो एक आएगा ना, यानी एक लड्डू था पूरा टोटल। तो आप समझ गए भिन्न क्या है, कोई बता रहा है, ठीक है, बहुत अच्छे भैया, बिजली चली गई। सुन लो, इसके आगे नहीं सुनाएंगे। चलो ये अलार्म लगा 11 बजे की, रात 12 बजे तक हर हाल में सो जाना है, अन्यथा सही नहीं। तो लाइट भी कट गई है, टाइम भी हो चुका है, तो आज का क्लास बंद करने की दीजिए इजाजत। मैं राजकुमार यादव मिलूंगा कल फिर आपकी। क्लास में 10 बजे, ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू। 9 बजे से बेसिक मैथ होती है, 9 बजे से बेसिक गणित होती है, आप सभी जरूर आए, ठीक है। जा जा सो जा सो जा, जो लोग सोने वाले हैं जाओ जाओ जाओ। चलो थैंक यू, गुड नाइट सभी को, ढेर सारी शुभकामनाएं, पढ़ लीजिए, टाइम बहुत है। हाँ एक चीज और, ए रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, क्या है पता है, देखो जिनको मैथ नहीं आती है भैया और सीखना चाहते हैं ना, पीबीआर स्टडी ऐप के अंदर उनको बिल्कुल जीरो से सिखाया जाएगा। अभी एप्लीकेशन के अंदर उनको 70% तक का डिस्काउंट मिल रहा है, अगर वो इच्छुक हैं तो इनरोल करें। डीएलएड के चारों सेमेस्टर का पूरा कंप्लीट मैथ सोल्यूशन, जिसकी फीस 2396 है पूरे 2 साल के लिए। अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें ये ओनली 799 में मिल रहा है, 2 साल के लिए 799 में, जोड़ लो शर्म आ जाएगी, इतना कम अमाउंट है, समझ रहे हो, 2 साल के लिए पूरा मैथ। और अगर पूरा पढ़ लिया, हजम कर लिया, तो 25 में 25 लाने की गारंटी भी होती है हमारी मैथ में, समझ रहे हो ना। तो जो चाहे वो एनरोल कर सकते हैं, इच्छुक अभ्यर्थी, बाकी जो ना चाहे उनके लिए भगवान ही मालिक है, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। बाकी बस थैंक यू। थैंक यू सभी को, थैंक।